नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। मासूम को माँ बाप से मिलाएं। जी हां, मासूम बच्चा जो कि दमोह के असलाना रेलवे ट्रैक पर एक हफ्ते पहले पुलिस को लावारिस हालत में मिला, घायल हालत में मिला, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अब पुलिस पिछले एक हफ्ते से परिजनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पाया है। बच्चे की उम्र 4 से 5 साल के बीच है। बच्चा इतना छोटा है कि अपने परिजनों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब एनडीटीवी ने भी बीड़ा उठाया है बच्चे को उसके परिजनों से मिलवाने का। ये मुहिम एनडीटीवी ने शुरू की है। एनडीटीवी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि बच्चे का चेहरा ध्यान से देखें, जो हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर सुबह से ही दिखा रहे हैं। साथ ही एक नंबर भी हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जो नंबर है। अगर आपको जरा सी भी जानकारी बच्चे के परिजनों के बारे में है, बच्चे को आप पहचानते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एनडीटीवी का मकसद है कि बच्चा जल्द से जल्द अपने परिजनों तक पहुंचे। ये बच्चा लावारिस हालत में रेलवे ट्रैक पर पुलिस को मिला। बच्चा जख्मी था। बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का इलाज चला। दमोह के पास रेलवे ट्रैक पर बच्चा मिला। एक हफ्ते तक इलाज चला। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बच्चे को पट्टी बंधी हुई है, लेकिन बच्चा खतरे से बाहर है। बच्चा इतना छोटा है कि अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है। अपना नाम बच्चे ने जरूर बताया, लकी बच्चे का नाम है, लेकिन अपने माता पिता का नाम नहीं बता पा रहा, कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। जो जांच टीम है इस मामले को लेकर लगी हुई है, वो बच्चे को बहलाकर, फुसलाकर, उसको खिलाने वाली चीज़ें, खिलौने देकर, खाने पीने की चीज़ें देकर, उससे प्यार से लगातार पूछने की भी कोशिश कर रही है, ताकि थोड़ी बहुत भी अहम जानकारी अगर बच्चे के ज़रिए जो जाँच टीम है उसको मिल जाए, तो शायद बच्चे के माता पिता के बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे और वहां तक बच्चे के परिजनों तक बच्चे को सकुशल पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी तक इस मामले में निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि कुछ नहीं पता चल पाया है बच्चे के माता पिता के बारे में। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि बच्चा चलती ट्रेन से किसी हादसेवश नीचे गिरा, अचानक से नीचे गिर गया, कोई हादसा हुआ बच्चे के साथ, या फिर बच्चे को फेंका गया। बहरहाल अब कोशिश है पुलिस की, जीआरपी की, कि बच्चे को सही सलामत उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही एनडीटीवी भी लगातार इस खबर को दिखा रहा है अपने दर्शकों को, क्योंकि एनडीटीवी की भी लगातार यही कोशिश है। एनडीटीवी ने भी ये बीड़ा उठाया कि बच्चा अपने माता पिता तक सही सलामत पहुँच सके जल्दी से जल्दी। तो अपने दर्शकों से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि बच्चे के परिजनों को ढूंढने में मदद करें। हमारे पास इसी पर बात करने के लिए शिबानी घोष जुड़ रहे हैं, जो कि को फाउंडर हैं परवरिश द म्यूजियम स्कूल भोपाल से, और हमारे साथ हैं। और अभिषेक तिवारी हमारे साथ सीएसपी दमोह से। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, लगातार हालांकि जो जांच टीम है बच्चे की देखभाल तो कर ही रही है, लेकिन पता लगाने की कोशिश भी लगातार कर रही है कि बच्चे के माता पिता का कोई भी छोटा सा क्लू, सुराग मिल जाए। कोई कामयाबी हाथ लगी अभी तक? देखिए, हम लगातार जो है इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी हमें इससे परिचित कोई भी परिजन जो है वो संपर्क में नहीं आए हैं। सोशल मीडिया और अन्य जो भी हमारे प्रसार माध्यम है उनसे जो हम इस बच्चे के परिजनों की पता तलाश की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, क्योंकि देखिए ऐसे मामलों को अक्सर आप लोग सॉल्व करते रहे होंगे, क्या देखा जाता है ऐसे मामलों में? क्योंकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक हफ्ता हो चुका है बच्चे को मिले हुए, किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, तो ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है जहन में कि कहीं बच्चे को जानबूझकर तो धकेला नहीं गया, क्या संभव है ये भी? नहीं, देखिए जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि रेलवे आरपीएफ ने इसको एडमिट कराया है, बच्चा जो है वो चोटिल था, उसका लगातार इलाज चल रहा है, तो हम बच्चे से कुछ पूछताछ कर भी नहीं पाए और वो ऐसे क्लियरली बता भी नहीं पा रहा है, इस कारण जो है ये टाइम लग रहा है। बच्चे की एज मुश्किल से 4 से 4.5 साल होगी। दूसरा, हम जो बायोमेट्रिक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, इसका रेटिना या इसके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, अगर इसका आधार कार्ड बना होगा तो हम उसको लोकेट कर पाएंगे, बट वो प्रोबेबिलिटी भी वो है बिलो 5 इयर्स का है ये बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। फिर भी हमारी टीमें जो लगी हुई हैं कि इसके बायोमेट्रिक्स स्कैन से जो है इसके ओरिजिनल जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचा जा सके।
जी, तो पूरी कोशिश जांच टीम की है। साथी शिबानी, देखिए आप एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हैं जो इस तरह के मामलों में बहुत मदद ऐसे बच्चों की करते हैं अपने परिजनों तक पहुंचने में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल है, और अगर मुश्किल नहीं है तो किस तरीके से ऐसे मामलों को जल्द से जल्द अपने माँ बाप तक बच्चों को मिलवा दिया जाता है ऐसे मामलों में। प्रीति जी, दिक्कत ये है कि बच्चा 4 साल का है, जैसे सर ने कहा कि 4 साल का है, और वो बोल नहीं पा रहा है सिवाय अपने नाम के। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साल का बच्चा है तो माँ बाप का नाम नहीं बोल पाना, ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 4 साल का बच्चा, अगर उसको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं या पूछताछ की जा रही है, अगर समझ में आ रहा है, तो मुझे तो लगता है आस पड़ोस या किसी का भी वो नाम बोल पाएगा। पर ये बड़ा आश्चर्य की बात है। एनडीटीवी को मैं इस कार्य के लिए सर मतलब उन्होंने जो बेड़ा उठाया है इनके माँ बाप तक पहुँचने के लिए। मैं भी बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो ऐसे छोटे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, तो हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं, और मैं भी एनडीटीवी के साथ कोशिश करूंगी कि कैसे इनके माँ बाप तक हम लोग पहुंच पाए, सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कि कैसे इस बच्चे के तक पहुंच पाए। जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ उन उनसे भी मैं बात करूंगी कि क्या उनके पास भी कुछ ये है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे हम लोग इसको। तो पूरी कोशिश हमारी भी रहेगी कि हम भी चाहते हैं कि बच्चा माँ बाप तक पहुंचे। पर मुझे कहीं लग रहा है कहीं इस बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है, जो उसको समझ नहीं आ रहा है उससे क्या पूछा जा रहा है, मतलब जो सामने है वो ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे इस बारे में। जी शिवानी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हो, हालांकि जो अभिषेक जी से जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, जो इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं साफ तौर पर कि बच्चा इतना छोटा है, अभी चोट लगी है, हम बहुत ज़्यादा बच्चे पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं, अभी उससे बहुत पूछ भी नहीं पा रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कोई ऐसी बात भी समझ में आई अभी तक कि बच्चा समझ नहीं रहा है हिंदी, लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्या कुछ ऐसा भी सामने आया है? देखिए, उससे हम लोगों ने काफी बातचीत की है। वो अपने फादर का प्रोफेशन भी लैंग्वेज समझ रहा है। वो टिपिकल जो हमारी लोकल लैंग्वेज है बुंदेलखंडी, जी उसको जरूर नहीं समझ रहा, बट जो हिंदी है स्पेशल, उसको वो हिंदी में जवाब दे रहा है, हिंदी को समझ रहा है। अपने पिता के प्रोफेशन के बारे में कल बता रहा था, बेशक वो नाम नहीं बता रहा था, बट ये चीजें समझता है कि हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे दीदी स्कूल छोड़ने जाती है। इन जी सब बातों पर हमने उससे बातचीत की है, लेकिन अपने पिता का, माता का नाम या स्थाई पता का, किस एरिया लोकेलिटी का है वो, ये सब अभी बच्चा बता नहीं पा रहा है। हम जी कोशिश करेंगे कि कुछ और टीम्स जो हैं वो जो चाइल्ड काउंसलिंग में एक्सपर्ट होती हैं, उनको लगाएं और इस तथ्य को जानने का प्रयास करें कि बच्चा बेसिकली है कहाँ से। बिल्कुल अभिषेक जी, हमारी भी पूरी कोशिश है कि आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जल्द से जल्द रंग लेकर आए और बच्चा अपने परिजनों तक पहुंच सके। आजम हमारे सहयोगी भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आजम लगातार उस बच्चे से भी बातचीत भी कर रहे हैं, बच्चे का हालचाल भी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आजम, फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ताजा जानकारी आपके पास है, बच्चा फिलहाल किस कंडीशन में है और क्या बात कर रहा है बच्चा, क्योंकि आप काफी वक्त से बच्चे के पास मौजूद हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं लगातार। ज्योति जी, जाहिर तौर पर यहाँ का जो स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है, वो पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बच्चा किसी भी तरीके से अपना पता बताए, बट आज 6 दिन हो गए हैं, 6वें दिन उसने नाम बताया है, लकी बता रहा है। नेचुरली वो बहुत लकी है कि जब ट्रेन से उसको या तो फेंका जाता है या गिरता है, गिरने के बाद वो जीता है और सही सलामत आज हमारे साथ है। हमारे साथ बच्चा लकी भी मौजूद है, मैं लकी से बात करना चाहूंगा। लकी, कैसे हैं आप? देखिए बाबू, देखिए, बच्चा है, डरा है, सहमा हुआ है, अभी उसको सर पे काफी चोट आई हुई है और उसका इलाज यहाँ डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखा, ये पूरा PICU है, दमोह का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सिस्टर है, ये पुलिस आरक्षक है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, ये भी पूछना चाहेंगी। आप बताएं, फोकस करें जरा, क्या बात करते हैं? लकी, आपका नाम बताओ क्या है? लकी, जोर से बोलो। लकी नाम है अरे वाह, और बम्बा क्या नहीं है, बता जोर से बोलो। गए हैं, क्या हुआ था, कहाँ से गिर गए थे? गाड़ी से? ट्रेन से गिर गया। हाँ देखिए, लकी से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि बात करें। लकी काफी घायल अवस्था में, लगभग अचेत था जिस वक्त वहां यहाँ आया। हमारे साथ डॉक्टर जैन साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इलाज किया है। डॉक्टर साहब, कैसी स्थिति में था जब लकी को यहाँ लाया गया?
27 तारीख को ये सुबह यहाँ पर लाया गया है रेलवे ट्रैक के पास, रेलवे पुलिस कांस्टेबल को ही मिला हुआ था। रेलवे पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि इसके सिर में बाकी शरीर में चोटें भी हैं और साथ में ये कुत्तों के द्वारा घेरा गया है, मतलब इसका मतलब बहुत सारी संभावना ये थी कि को कुत्ते के द्वारा काटा भी गया है। तो सब बहुत सारी इंजरियां थी, हेड इंजरी में सिटी स्कैन भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी ठीक है, मतलब थोड़ा सा हेमरेज वगैरह है। इसका इलाज हमारे डॉक्टर सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तंदुआ ने किया और हमारा PICU यूनिट भी इसका इलाज कर रहा है और ERB डोज जो कुत्ते के काटने के बाद लगते हैं वो भी इसका डोज चल रहा है। अभी बच्चा पूर्णतः स्वस्थ स्थिति में है और एवं डिस्चार्ज करने लायक, लेकिन हमारे साथ असमंजस यही है कि इसके माता पिता भी नहीं मिल पा रहे हैं और हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट है। जाहिर तौर पर ज्योति जी एक बड़ी समस्या है कि इसको कहाँ ले जाएं। डॉक्टर बताते हैं कि ये शिफ्ट करने की पोजीशन में है, इसे किसी के पास ले जाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी NGO नहीं आया है इसकी देखरेख करने के लिए या है। फिर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी है और लकी हमारे साथ ये बच्चा मौजूद। एक बार ये भी चाहेंगे, हम ये भी चाहेंगे आजम, अगर संभव हो सके तो अपने कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम इन करके, ताकि हम बच्चे को भी बार बार दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को बच्चे का चेहरा, ताकि अगर कोई भी बच्चे को पहचानता है, बच्चे के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी किसी के पास है। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा, 4 से 5 साल इस बच्चे की उम्र है। बच्चा अभी थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा भूख भी हुआ है, क्योंकि बच्चे को काफ़ी लोग लगातार आसपास बच्चे के हैं, क्योंकि सभी की कोशिश ये है कि बच्चे को जल्द से जल्द उसके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत छोटा है, शायद बार बार ये सवाल पूछने पर, नाम क्या है, माँ बाप का नाम क्या है, कहाँ से आए हो, शायद ये सब सुनकर भी बच्चा असहज महसूस कर रहा हो। लेकिन हम बार बार बच्चे का चेहरा आपको दिखा रहे हैं और दिखाने का मकसद साफ साफ है कि बच्चे को अगर आप पहचानते हैं तो इस बच्चे को मदद कीजिए उसके माँ बाप तक पहुँचाने में। दमोह के रेलवे ट्रैक पर ये बच्चा मिला और जिसके बाद तुरंत इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उस टीम के ऑफिसर भी जो इस बच्चे की देखरेख में लगी हुई है, बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए छोटा सा बच्चा है, हम जो तस्वीरें बच्चे की देख रहे हैं, थोड़ा सा डरा भी हुआ है, अब कैमरा बच्चे के सामने है, उसको भी लेकर असहज बच्चा महसूस कर रहा है। हालांकि हमारा मकसद बच्चे को असहज महसूस कराने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम के जरिए बच्चे से बातचीत करने की कोशिश की गई है जो ऐसे मामलों में बच्चों से बातें निकलवाने में बहुत समर्थ हों, बहुत एक्सपर्ट हों। जी बिल्कुल, जैसे ही बच्चा जो है वो स्टेबल हो जाता है क्लिनिकली या फिर स्टेटमेंट देने या ठीक तरीके से बात कर, चूंकि बच्चा चोटिल था इसलिए हमने उसको अभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल हम आज जो है चाइल्ड एक्सपर्टाइज कमेटीज जो है वो बच्चे के पास जाएंगी और बच्चे से जो है बातचीत करेंगी। शिवानी जी, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से हमें बता भी रही हैं कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ऐसे भी कई बार ये भी देखा जाता है कि इमीडिएटली बच्चे अगर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है हाल फिलहाल में, लेकिन कुछ वक्त बाद जब बच्चा थोड़ा सा असहज हो जाता है, आसपास उसके कुछ और बच्चे रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जिन पर वो भरोसा करने लगता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे खुलकर अपने आप को थोड़ा जाहिर करता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा बच्चा, क्या ऐसा भी संभव है? ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं चाह रही हूँ अभिषेक जी से मैं अनुरोध करूंगी कि जैसा बच्चा थोड़ा सा बोलने लायक या डॉक्टर्स अगर उसको परमिट करते हैं तो ऐसे कोई संस्था के पास जहाँ लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके एज के बच्चों के साथ काम करते हैं, वहां पे ले जाइए। ये जब बच्चों के साथ घुलेगा मिलेगा धीरे धीरे बच्चे ही, क्योंकि पीयर टू पीयर बहुत इफेक्ट होता है, तो जब ये पीयर टू पीयर जब वो बच्चे इसके साथ मिलेंगे, दो चार बातें करेंगे, उन बच्चों से ही हमें पता चलेगा कि ये बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे कभी कभी बड़े को देख के डर जाते हैं, और ये अपने जो एज के बच्चे हैं या अपने बराबर के जो बच्चे हैं उनके साथ जब घुलते मिलते तो एक एक बात वो धीरे धीरे निकल के आती है। हमने भी यही देखा है, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, जब उनको लगता है कि हम सारी बातें टीचर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे, ये बच्चे ही निकाल के ले आते हैं कि मैम ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बच्चे एक दूसरे से अगर शेयर करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा डरा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको नहीं पता, 7 दिन से माँ बाप से दूर है, तो मुझे ऐसा लगता है जब वो अपने बराबर के बच्चों के साथ थोड़ा घुलेगा मिलेगा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा
कि ये है कहाँ का, क्योंकि अगर वो नाम बोल पा रहा है तो हम 100% श्योर वो जरूर बोल पाएगा कि वो कौन से स्कूल में जाता है, किस तरीके का स्कूल है, और उसके एटलीस्ट पिता का या आसपास के किसी का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको बच्चों के पास पहुंचाइए, बच्चे के बीच में पहुंचाइए, वो जरूर बोलेगा। और हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं इसी पर बात रखने के लिए अपनी। हमारे साथ रायपुर से कॉलर जुड़ रहे हैं, गुड्डू हैं जी। गुड्डू कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हालांकि अभिषेक जी, जिस तरीके से शिवानी जी बता रही हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, लेकिन आप भली भांति जाते हैं, आप इस टीम को लीड कर रहे हैं, आप ऐसे मामलों को बहुत सॉर्ट करते रहे हैं, सुलझाते रहे हैं, तो आपको बखूबी पता है कि क्या ऐसे मामलों में करना है, किस तरीके से टैकल बच्चों को करना है। एक और सवाल अभिषेक जी, क्या बच्चा अभी हॉस्पिटल में ही है या किसी एनजीओ में बच्चे को आने वाले 1 से 2 दिन में शिफ्ट किया जाएगा, या फिर किसी कोई बच्चे को टेक केयर कर रहा है? क्योंकि कई बार हम ऐसे मामलों में ये भी देखते हैं कि जो जांच टीम के लोग होते हैं वही बच्चे को ध्यान रखते हैं, बच्चे को अपने साथ रखते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है अभी फिलहाल? जी, बच्चा अभी हॉस्पिटल में ही है, और चूंकि उसका हेल्थ स्टेटस जब से बच्चा एडमिट हुआ है स्टेबल नहीं था, तो उसको एडमिट रखा गया। अभी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे डॉक्टर्स का ओपिनियन लेंगे, अगर उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो स्टेबल होगा और वो इजी टू मूव होगा तो बिल्कुल हम उसे किसी एनजीओ में शिफ्ट कराएंगे, या जैसा बताया गया कि बच्चों के बीच जो कोई हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ उसको एक फैमिलियर माहौल देने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा, और हेल्थ स्टेटस के बाद ही जो है हम उसकी शिफ्टिंग की आगे कार्रवाई कर पाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड्डू हैं, जो कुछ बात कहना चाहते हैं। जी गुड्डू कहिए, आप क्या कहेंगे? गुड्डू आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें। आजम, आप बच्चे से के पास हैं, बच्चे के हाव भाव, बच्चे के क्रियाकलापों को आप देख रहे हैं, फिलहाल बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिलहाल अगर बच्चे से थोड़ी बहुत कोई बात करता है, अगर हम ऑफ कैमरा बात करें, आप कैमरे के सामने उसको मत फोकस कीजिएगा क्योंकि बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वैसे अब मुझे दिख रहा है तस्वीर में कि आपके पास बिल्कुल बैठा है, आप जी अपने हिसाब से थोड़ी सी बात करने की कोशिश कीजिए उससे। बच्चा कैसे है लकी? लकी ठीक है? स्कूल जाना है? नहीं जाओगे स्कूल? अभी नहीं जाना? अब पापा को बुलाओ, पापा को बुलाइए। आप कैसे गिर गए थे? गाड़ी से गिर गए थे? अच्छा, फिर पाँव में लगा हुआ है? और कुत्ता भी आया था क्या? कुत्ता क्या कर रहा था? कुत्ता भी आया था जी? कुत्ते ने भी इसको काटा है और घायल हुआ था, गंभीर है था उस टाइम पर, लेकिन दमोह के जो अस्पताल प्रबंधन है, यहाँ हमारे साथ पूरा स्टाफ मौजूद है, और उन्होंने सिविल सर्जन भी हमारे साथ मौजूद है। सिविल सर्जन जिसे मैं जानना चाहूंगा कितनी क्रिटिकल कंडीशन थी जब ये आया था, लगभग अचेतक अवस्था में था बच्चे को? सिर में चोट लगी थी, काफी चोट लगी थी, कुत्ते काटने निशान मिले थे, तो हमारे डॉक्टर सर्जिकल डॉक्टर संतवान को रिपेयर भी कर दिया था, और हमारे बच्चों डॉक्टर ने डॉक्टर जरदार ने सुनी लेने की काफी मेहनत की, हमारा स्टाफ भी लगा रहा। मैं मीडिया प्रभारी का बहुत आभारी हूँ कि आपके सहयोग से बच्चे की बेचारी सुंदर रखी। देखिए भावुक हो गए, यहाँ पर डॉक्टर सिविल सर्जन जी है जो बड़े भावुक है, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से इस बच्चे के माँ बाप को मिला दिया जाए। यहाँ का पूरा स्टाफ देखिए आप किस तरह भावुक है, ये बहन जी है जो इनका इलाज कर रही हैं। कैसा महसूस किया था आपने जब आपके पास पहुंचा था बच्चा? जिस दिन बच्चा आया था हमारे पास बहुत बुरी स्थिति में था, अनकॉन्शियस ही था, बट उसके इतने सर में इतनी चोट थी कि उसको देखा उसका दर्द हम लोग से भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा हम लोगों ने, इंजेक्शन टाइम पे मेडिसिन वगैरह सब दिया गया, और आज बच्चा इस स्थिति में है कि वो अच्छे से बोल पा रहा है, नाम बताया है उसने अपना अच्छे से, और अभी घूमने फिरने के लिए भी बोलता है कि हमको बाहर घुमा दो, हमको मम्मी के पास जाना है, हमको पापा के पास जाना है, इस तरीके से वो बात करता है, और यहाँ थोड़ा बहुत घुल मिल भी गया है बच्चा, तो हम चाहते हैं कि इसका मम्मी पापा जल्दी से जल्दी मिल जाए और ये बच्चा अपने घर सही सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए।
ये ज्योति जी देखिए, ये पूरा स्टाफ है, लालायत है कि इसको किस तरह उसको घर तक लकी पहुंच जाए, अपने माँ और बाप से मिल जाए। यहाँ सिस्टर है जो इनकी देखरेख कर रही हैं। बहन जी कैसा महसूस करती हैं आप जब इसके माँ बाप दूर हैं आपसे? वो बच्चा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आया था। जब दीदी लोग ने मुझे बताया, वो मम्मी पापा को बुलाता है, अभी तो हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल गया है तो खेलने लगा है। आंटी लोग बहुत ख्याल रखती हैं उसका, तो सारा टाइम उसके साथ रहती हैं। ये आया है यहाँ की सरकारी जो अस्पताल में, आपने शुरू से उसको गोद में खिलाया है, आप बच्चे जैसा रख रही हैं। बच्चे जैसा खिलाया है, उसकी पूरी देखभाल की है हम लोगों ने उसको। मतलब मैं एहसास नहीं होने दिया अपनी माँ का, हर चीज से देखभाल की है हम लोगों ने उसकी। अब क्या चाहती हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप के पास चला जाए, अपने घर से चला जाए। तो देखिए सभी यहाँ जो बच्चे को जी आजम देखभाल कर रहे हैं सभी के, बिल्कुल हम शब्दों के जरिए उनके भावों को समझ पा रहे हैं आजम कि किस तरीके से सभी की कोशिश है। और इन्हीं के साथ साथ एनडीटीवी की भी पूरी कोशिश है कि बच्चा जल्द से जल्द अपने माँ बाप तक पहुँचे। बच्चे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक जी ये भी संभव है क्या, अगर हालांकि इस पर भी जाँच चल रही होगी, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं रेलवे स्टेशन के, उनमें कुछ थोड़ी बहुत कहीं कोई क्लू मिल पाया हो बच्चे के माता पिता के बारे में, क्या उनको भी खंगाला जा रहा है? जी बिल्कुल, हम जो है अब उस ट्रैक पर और उसके पहले जो स्टेशन है उनको भी इंटीमेट करेंगे कि हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पर असलाना, चूंकि ये पॉइंट था जहां से इस बच्चे को हमने रिकवर किया, उसके पहले के जो स्टेशन है अगर उनके सीसीटीवी फुटेज में कहीं ये बच्चा इनके पेरेंट्स के साथ दिख पाए तो हम कोशिश करेंगे, कुछ पैम्पलेट्स भी हम चिपकवाएंगे ऐसे स्टेशन पर, हो सकता है वो पेरेंट्स वहां पहुंचे जिस ट्रैक से वो मूव हुए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है और साथ ही साथ हम इसका बायोमेट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेशन कराने की कोशिश करेंगे। इसके फिंगरप्रिंट अगर पहले कभी इसका आधार कार्ड बना होगा तो फिंगर, आयरिस, रेटिना, ये सारी चीजें जो है वो स्कैन होती हैं, तो ये बॉडी पार्ट जो स्कैन हुए होंगे अगर इसके कभी, तो हम उसको बिल्कुल लोकेट कर पाएंगे ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ। जी तो सबसे आसान तरीका वही है, उससे बहुत जल्दी जानकारी मिलेगी। अगर ऐसा कुछ होता है बच्चे का आधार कार्ड अगर बना हुआ होगा तो सबसे जल्दी पकड़ में उसी से जानकारी आएगी। अभिषेक जी जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं, जो जांच टीम के मुखिया हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जहां से ये बच्चा मिला है उससे पहले तमाम स्टेशंस की। साथ ही हमारे सहयोगी आजम जो लगातार बच्चे के साथ वहां पर मौजूद हैं, आजम जिन शख्स की गोद में ये बच्चा है हम चाहेंगे आप उनसे पूछें, क्योंकि उनकी गोद में काफ़ी वक्त से बच्चा है तो जाहिर तौर पर उनसे थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा, इसीलिए उनकी गोद में भी है। किस तरीके से बच्चे की वो देखरेख कर रहे हैं, क्या बच्चा अपनी कुछ अपना इस तरीके की डिमांड करता है कि उसको चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम पसंद है, और अपनी पसंद की चीज़ खाने के बाद बच्चे बहुत आसानी से अपनी बात को रखते हैं, बोल भी पाते हैं, जवाब भी देते हैं जब उनसे कुछ पूछा जाता है उनकी फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम लेने के बाद। जी किस तरह आप कल भी घुमा रहे थे, आप रोज शाम को उसको मोटरसाइकिल में घुमाते हैं, बच्चा घूमता है, क्या कहता है अभी तक आपसे, क्या बात हुई? मेरे तो बोलता पापा जी घर चलो, ये बोलता है मेरे को। क्या खाने का शौक है, क्या क्या खाता? बिस्कुट वगैरह खाता है ज्यादा, चाय बिस्किट। हाँ हिंदी समझ रहा है, ये लग रहा है आपको यहाँ का है या कहीं? यहाँ का नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ की बात नहीं है। देखिए जो उनके साथ हैं बड़ी हिलमिल गए हैं, वो पापा बुक को बुलाता है, पापा बोलता है, यहाँ सिविल सर्जन जी भी मौजूद हैं, यहाँ पूरी रोहित सिस्टर भी मौजूद हैं। सिस्टर आपसे भी काफी हिलमिल गया है, बात करता है, क्या कहता है आपसे? सबसे पहले बच्चे के पास ही जाते हैं, बोलता है कि मुझे पापा के पास जाना, ट्रेन से गिर गया, इसके अलावा अब तो ये बोलने लगा कि मुझे घुमा दो, मुझे बाहर ले चलो, इस तरीके से बात करता है। और बच्चे में काफी सुधार है। ये पुलिस कांस्टेबल उषा साहू है हमारे साथ मौजूद, ASI है सिस्टर, इनकी ड्यूटी एक दिन बाद लगती है लेकिन उनको लगता है कि कैसे हमारी ड्यूटी नहीं, घर जाए यही रहे बच्चे के साथ। ये उषा जी कहती है, सब इंस्पेक्टर है यहाँ पर, ये कैसे आपसे बोलता है, क्या बात करता है? बच्चे की तबीयत खराब थी, अब पूरा स्टाफ बहुत प्यार करता है,
जैसे ये रोज भैया जिनको पापा बोलता है बहुत ज्यादा, और एक और है वो क्या नाम है उनका, राहुल भैया से परिवार आजम, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। ये वो सारे चेहरे आगे आकर बता रहे हैं कि बच्चे के साथ क्या बातचीत हो रही है, कैसे बच्चे के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम आजम आपके पास लौटेंगे। सुबोध जैन है हमारे साथ। जी सुबोध, के ये क्या कहेंगे आप? जी सुबोध जी, अपनी बात रखें। जी मैं यही बोल रहा था सर जी, कि वो बच्चा तो ट्रेन में अकेला नहीं चढ़ा होगा, जहाँ से भी चढ़ा होगा अगर पीछे की स्टेशन तो चार स्टेशन की अगर कभी उसका वीडियो खंगाला जाए मिल जाएगा किसके साथ चढ़ा है वो। सुबोध जी हमारे साथ वो पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, कि हम उन फुटेज को भी खंगाल रहे हैं जहाँ से बच्चा मिला है, उससे पहले के जितने भी स्टेशंस हैं, पूरी कोशिश जांच टीम की है, साथ ही एनडीटीवी की लगातार कोशिश है कि बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाया जाए। हम लगातार इस खबर पर नजर रखेंगे, बच्चे का जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की है या बच्चे के बारे में कोई शिकायत, क्योंकि आसपास के थानों में भी ये बातचीत पूरी पूछताछ की जा रही है कि किसी ने अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई है, ऐसा भी अभी तक नहीं देखने में आया है। फिलहाल बच्चा अस्पताल में भर्ती है जहाँ बच्चा डॉक्टरों की देखरेख में है, पूरे नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में है, बच्चे से कोशिश पूरी की जा रही है कि उससे खेल खेल में प्यार से ये पूछा जाए कि थोड़ी सी अहम जानकारी बच्चा अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बता सके, लेकिन क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है इसीलिए उस पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, 4 से 5 साल के बीच की उम्र बच्चे की है। हमारे साथ लगातार इस जो पूरे मामले को देख रहे हैं अभिषेक तिवारी, वो भी बने हुए थे, उन्होंने भी हमसे बताया। अभिषेक जी आपका हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शिबानी जी आपका भी शुक्रिया, और आजम शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार जाने से पहले फिर से बता दे, नंबर भी हम लगातार दिन भर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे, अगर आपको कोई भी जानकारी लकी के माता पिता के बारे में मिलती है तो आप इस नंबर पर जरूर संपर्क करें।